जिले में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। आए दिन चोरी, लूट, हत्या की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसके कारण साधारण सी मौत पर भी लोग हत्या की शंका व्यक्त हो करते हैं। हालांकि पुलिस जांच की बात कर रही है। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के रतहरी नहर के पास का है, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है। युवक की पहचान उमेश मिश्रा निवासी मढ़ी के रूप में हुई है, जो अटरिया का उपसरपंच बताया जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो युवक गौरव ओझा के साथ अंतिम बार देखा गया था, जिसके जेब में नोट और कुछ नशीले पदार्थ मिले हैं। पूर्व सरपंच अरुण सिंह ने बताया कि उनके पेट्रोल पंप के पास गौरव ओझा के कार में उमेश मिश्रा देखा गया था, जो बॉटल से पानी लेने पहुंचा था। युवक रात में घर नहीं पहुंचा, सुबह उसका शव बरामद हुआ है। हालांकि युवक के शरीर में चोट के निशान नहीं है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल परिजनों ने जहर देकर हत्या करने की आशंका व्यक्त की है। आइए सुनते हैं पूर्व सरपंच और पुलिस का क्या कहना है। जी जी, इनकी आज बॉडी मिली है यहाँ। जी जी, मतलब निकले थे घर से, किसके साथ निकले थे? घर से निकलना तो नहीं मालूम, पर हमको उसने वो 8:30 बजे हमारे पेट्रोल पंप अवध फिलिंग के सामने, समोसा की दुकान सामने, गौरव ओझा के साथ हमको मिला। बड़ा वाले गौरव ओझा हैं, और उन्हीं की कार में बिसलेरी का बोतल पानी लिया था, और साथ में उनकी कार में बैठ गया भी है। तो हमने पूछा भी है कि कल कुछ उप सरपंच हो गया था अपने यहाँ, तो हमने कहा था नक्शा उक्शा भी दस्तखत करना है, तो चले आना टाइम में। तो बोला अभी 1 घंटे में आते हैं, और साथ में निकल गए। उसके बाद हमको फिर नहीं मालूम कि उसके बाद किसने मारा, क्या किया, कैसे किया, पर गया जिसके साथ वो मालूम। युवक की लाश मिली है, ये उप सरपंच भी है, मरी का रहने वाला है यहाँ, इनकी लाश मिली है, क्या लगता है? अभी जाँच से पता चले, कन्फर्म होगा कि जाँच के दौरान जो है तो क्या कैसा हुआ घटना। बाहरी तौर पर कहीं भी चोट चपेट निशान नहीं मिले हैं, और अंदरूनी की बात तो पीएम से पता चल पाएगा क्या कैसा है। ये जरूर है कि उनके जेब से एक 20 रुपये का गुरमेटा हुआ नोट, जैसे सिगरेट नहीं बनी जाती, गुरमेटा हुआ नोट मिला है, और एल्युमिनियम का एक रैपर मिला, पतला पतला रैपर मिला हुआ है। ऐसा लोगों को बताते हैं कि वो नशीला होता है। अब मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है। और किसी प्रकार से और बहुत ही परिजनों से क्या बात हुई, कब निकले थे घर से और कैसे वहाँ पहुँच गए? अभी परिजन तो अभी आए हैं, तब इनसे चर्चा करूँगा, चर्चा के दौरान पूछताछ करूँगा, तभी पूरी जानकारी दे पाऊँगा मैं। क्या कुछ चोट के निशान नहीं? नहीं, कहीं कोई किसी प्रकार के घटना के समय चोट के निशान नहीं पाए गए। अब गर्मी है, सीजन है, गर्मी के कारण से जो है फफोले टाइप में, तो वही चमड़ी जो है हल्की अभी निकल गई है,